दोस्तों आप देख रहे हैं बैक टिप्स बाय इंजीनियर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी का जो फ्रंट और रियर टायर होता है उसमें कितनी कितनी हवा रखनी चाहिए। गाड़ी का जो फ्रंट टायर होता है उसमें 35 हवा रखनी चाहिए। इस गाड़ी के फ्रंट टायर में 35 से हवा कम है, इसलिए इस गाड़ी के फ्रंट टायर में हम और हवा डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी के फ्रंट टायर में हमने 35 यानी कि 35 हवा का कर दी है। उसके बाद इस गाड़ी के टायर का हम कैप लगा देते हैं। अब इस गाड़ी के बैक टायर में हम हवा डालेंगे यानी कि इसकी गाड़ी के रियर टायर में हवा डालेंगे। गाड़ी का जो रियर टायर होता है उसमें 45 यानी कि 45 हवा रखनी चाहिए। पहले इस गाड़ी के रियर टायर की हम हवा चेक करके देखते हैं। इस गाड़ी का जो रियर टायर है उसमें लगभग 35 हवा है, यानी कि इस गाड़ी में हम और भी हवा डालेंगे।